मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार से लौटे हैं और तेजस्वी यादव सिंगापुर गए हैं, लेकिन इसी बीच सुशील कुमार मोदी और नीतीश के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। दरअसल सुशील कुमार मोदी जब भी बिहार में कमान संभालते हैं तब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के करीब आते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहां तक आ रही है कि नीतीश और भाजपा के बीच जो संबंध खराब हुए थे, कहीं ना कहीं उन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई नेताओं ने एक बार फिर से मरहम लगा दिया है। दरअसल भाजपा के साथ सारी मुद्दों पर बातचीत हो रही है। इसी बीच सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई मांगे रख दी हैं। सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण की बात है और बिहार में 25% है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कमेटी बनाई है मध्य प्रदेश के तर्ज पर, वो कहां तक सही है? दोनों राज्यों के आरक्षण की सीमा अलग अलग है, दोनों राज्यों में आरक्षण की बातें अलग अलग है, राज्य सरकार इसको तय करती है, और ये सवाल उठ कहां से रहा है आखिर? अब इसी बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री और सुशील मोदी के संबंध के बारे में आप सभी को पता होगा, इन दोनों नेताओं के संबंध ने बिहार को भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन को 15 साल शासन करने का मौका दिया। जब जब सुशील कुमार मोदी अपने सरकार से और अपनी ही पार्टी में हाशिए पर आए हैं, तब तब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा है। और एक बार फिर से वही बातें दोहराई जा रही हैं। सुशील मोदी की वापसी के बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से स्टेबल मोड में आएगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह हो कि सुशील कुमार मोदी ने जो वीडियो जारी किया है उसके बाद जदयू की प्रतिक्रिया क्या कुछ आती है। लेकिन सुशील मोदी के उन बयानों को सुनवा देते हैं, क्या कह रहे हैं सुशील मोदी और किसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि सुशील मोदी और भाजपा के बीच सुशील मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच एक बार फिर से संबंध अच्छे होने लगे हैं। बिहार सरकार गलत बयानी कर रही है कि मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर उन्होंने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग बनाया है। मेरी मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की ही जांच करने के लिए और पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। वहां स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% का आरक्षण है और बिहार में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण दिया गया। नीतीश जी, आप अगर चाहें तो 20% को बढ़ाकर 35% कर दीजिए, किसने आपको रोका है? हम तो चाहेंगे कि अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया जाए। फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां की सरकार ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को जमा किया, हाईकोर्ट को जमा किया, सार्वजनिक किया। आखिर क्या करें कि बिहार में अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, क्यों उसको गोपनीय दस्तावेज बनाकर रखा गया है? फिर मध्य प्रदेश में पुराने चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराया गया वहां पर, और आप पुरानी अधिसूचना पर जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्हीं लोगों को का फिर आप चुनाव करा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि नए सिरे से चुनाव कराए। और फिर सबसे महत्व की बात है कि 28 नवम्बर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में काम करने से रोका जाता है, उसको नोटिफाई करने से रोका जाता है, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर कोर्ट से आग्रह करना चाहिए था कि इस आदेश को विड्रॉ करें। हमारी चिंता केवल एक ये है कि आपके कारण कहीं बिहार का चुनाव फिर न रुक जाए, लोगों का करोड़ रुपया फिर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं पानी में न चला जाए। नीतीश जी, कानून का पालन कीजिए और जल्द से जल्द अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 8167 00। धन्यवाद।